हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं, वह जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा जीएसटी कहाँ पे लागू होता है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले। तो चलिए हम समझते हैं कब किस जीएसटी का उपयोग करेंगे, इसके लिए क्या रूल बनाए गए हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले और जानने वाले। देखिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जीएसटी के जो है हमारे फोर टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे पहला बताया जा रहा है सी जीएसटी, दूसरा एयर जीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। अब रहा सवाल कि सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में समझाया था। एयर जीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसके बाद से अगला यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है गुड्स और सर्विस पे, और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, वसूला जाता है। क्लियर है? जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और इसी के थ्रू क्या किया जाता है, वसूला जाता है। क्लियर है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। क्लियर है? और जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यह पैसा जाता है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब इसमें भी मेन रहता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? और जो यूनियन टेरिटरीज है, यह पैसा केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब यूटी जीएसटी जो लगता है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश पे लगता है। जैसे दो चार नाम बताइए जी। और अरे एक एक बता दिए तो पूरा हो गया होता है। बड़े बना दिल्ली चंडीगढ़, ठीक है बोलो, अंडमान निकोबार, उसके बाद दादानगर हवेली, बोलो क्या है, पांडिचेरी है, उसके बाद और क्या है, एक और जुड़ा है, हाँ जी जम्मू कश्मीर, ये भी ऐड हो गया है। तो मतलब वहां पे जो जीएसटी लागू होता है वह लागू होता है क्या, सेम ऐसे ही पैटर्न है, लेकिन वहां पे यूटी जीएसटी लागू होता है। कौन सा जीएसटी, यूटी जीएसटी लागू होता है। क्लियर है सबको? अब देखो अब कहाँ पे सी जीएसटी और एयर जीएसटी और कहाँ पे आई जीएसटी, मतलब मेन उनको फोकस करने इसी तीन पे, या कभी कभी आता है, समझे ना, मतलब हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ना मात्र का इससे हम लोग सबसे इस्तेमाल करेंगे सी जीएसटी, एयर जीएसटी और आई जीएसटी। और सी जीएसटी कहाँ चार्ज होगा, एयर जीएसटी कहाँ चार्ज होगा, आई जीएसटी कहाँ चार्ज होगा, मैंने इसके लिए भी डायग्राम बना के रखा है। बताया जाता है कि सेल ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, समझे, या परचेज कर दो, परचेज ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, मतलब चाहे कोई गुड्स परचेज करें या सर्विस परचेज करें, चाहे गुड्स सोल्ड करें चाहे सर्विस सोल्ड करें, तो अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो वहां पे लगेगा सीजीएसटी और एयर जीएसटी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहां पर लगेगा आईजीएसटी। अब कहोगे सर क्या मतलब है, तो कल हमने डिस्कस किया था, एक बिजनेसमैन जिसका व्यापार यूपी में, एक और डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा बिजनेसमैन जिसका व्यापार यूपी में है, तो इनके बीच जो माल सप्लाई होता है, तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई होता है। कौन सा सप्लाई होता है, स्टेट। और यहाँ पे जो चार्ज होगा
वो चार्ज होगा सीजीएसटी और एआरजीएसटी। क्लियर है? कैसे होगा? तो मान लो कीबोर्ड, और कीबोर्ड का जीएसटी 18% है, कितना है 18%, तो 9% सीजीएसटी और 9% एआरजीएसटी। मतलब अगर 100 रुपया है, 18% जीएसटी लागू हुआ है, तो कितना रुपया होगा? 18 रुपया। तो 9 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 9 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। क्लियर है? अगर 12% है तो 6% सेंट्रल और 6% स्टेट। क्लियर है ना? तो अगर कोई पूछता है कि लोकल सप्लाई कर रहे हैं, लोकल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा जीएसटी लागू होगा? बताओगे टीजीएसटी और एआरजीएसटी। ये रूल है, ये तो करना है आगे कंप्यूटर में। और अगला है इंटर स्टेट सप्लाई। तो हमने बताया था कि अगर कोई बिजनेसमैन जिसका व्यापार यूपी में रजिस्टर्ड है, और कोई बिजनेसमैन या बिहार से बिलोंग करता है, मतलब दोनों का स्टेट क्या है अलग अलग है, उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो गए? इंटर हो गए, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट। और यहाँ पे जो जीएसटी जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है जीएसटी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह वसूलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है जिस गवर्नमेंट के देना, समझे ना, अपना हिस्सा लेके। तो यह तरीके हैं कैसे कहा तो कौन सा जीएसटी लागू होगा, मैंने आपको समझाया और बताया है। तो ये स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हम वो नहीं करना है, सेव नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है। टैक्स कंपोनेंट, टैक्स एप्लीकेबिलिटी, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स। क्या बोलते थे? सेंट्रल जीएसटी, या लोग बोल देते हैं सीजीएसटी, या सेंट्रल टैक्स। तो बताया जा रहा ना, वन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्लियर है? मतलब अगर कोई इंट्रा स्टेट हम सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स करें चाहे सर्विस करें, वहां पे कौन सा जीएसटी लागू होगा? सीजीएसटी। क्लियर है? उसके बाद से फिर से देखो स्टेट जीएसटी, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? जीएसटी। और क्या बताया जा रहा है? स्टेट टैक्स। कोई पूछे स्टेट टैक्स तो समझना किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आते हैं कर वन इंट्रा, मतलब क्या बोला गया जी, स्टेट सप्लाई गुड्स ऑफ सर्विसेज और वो क्या लगेगा स्टेट। मतलब कोई पूछता है सेंट्रल का अलग होता है तो बोलना सेम राज्य में ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई पूछता है स्टेट का अलग होता है बताना कि जब सेम स्टेट में हम लोग गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो क्लियर है? और अगला करा इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या बोलते हैं? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स भी बोलते हैं। ये कहाँ बोलता है? वन इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट मतलब क्या है? टू स्टेट के बीच जो ट्रांजेक्शन हो, या इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, मतलब कोई क्या कर रहे हैं कहीं से माल मंगवा के, मतलब इंपोर्ट हो रहे हैं आप लोग, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम सुने हो ना, तो वहां पे लगता है कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई गुड्स सर्विस बोथ, मतलब किसी दो यूनियन टेरिटरी के बीच हो, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा? यूटी जीएसटी। हाँ सेम वही रूल है, लेकिन वहां पे कौन सा जीएसटी लागू होगा? यूटी जीएसटी, जब दो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्या हो, ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जीएसटी आने के बाद कितने जीएसटी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो देखो बताया टैक्स सम, ठीक है, अंडर जीएसटी, जीएसटी में निम्नलिखित टैक्स को सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना, कि क्या है बताया गया है। तो यहाँ पे देखो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लागू करता था कौन कौन से? एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज टैक्स, इतने टैक्स होते थे। उसके बाद से स्टेट टैक्स, वैट, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज टैक्स। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स क्या करता था? काउंटर वैल्यू ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स,
इन सबों को कम्प्लीट किसमें किया गया, इस पर जीएसटी। मतलब हम लोग को अब चर्चा किस पर करना है, केवल जीएसटी पे, इनके बारे में हमको नहीं जानना है, क्योंकि सब रूल चेंज हो गया, संविधान चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आप तो पहले जो काम करते थे उसके पैटर्न पे काम करेंगे, इस पैटर्न पे काम करेंगे, इस पैटर्न पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें भी कुछ हम पॉइंट बता दे रहे, कौन किस पे लगता था, तो उसके लिए मैंने डायग्राम लिख लो, ठीक है, वो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। तो कुछ मैं बता दे रहा हिंट करके, इतने टैक्सेस। तो आपका डिजाइन में आते हैं, नहीं दिख रहा है। चलिए लिखा गया, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर जीएसटी। मतलब जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ प्रकार था, क्या क्या था, तो बोला गया एक्साइज ड्यूटी। तो जो एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज होता था, जो टैक्स लेते थे लोग, वह कितने लगता था, मैन्युफैक्चरर, मतलब ऐसे व्यापारी जिसका व्यापार कैसा था, जी बनाने का, कुछ ही प्रोडक्ट को निर्माण करने का, तो उसपे एक साइड ड्यूटी लगता था, और इस पे जो टैक्स लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है तब तो। मतलब जो टैक्स चार्ज करता था कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद से अगला है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आज भी है यार, क्या है, आज भी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल मंगवाते हैं, भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर है ना। इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट मतलब भेज रहे हैं, आयात निर्यात जब करते हैं हम लोग, तो क्लियर है ना। तो उसमें लगता था क्या, कस्टम ड्यूटी, अभी भी आज भी है, उसको भी जो टैक्स लेता था कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है सबको। उसके बाद में अगला है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, सेल टैक्स, सब सबको सम्मिलित कर दिया गया, किसमें, जीएसटी में, किसमें, जीएसटी में, मैक्सिमम कुछ कुछ बाकी है, लेकिन मैक्सिमम इसमें से ऐड कर दिया गया सर्विसेज को, टैक्स को, किसमें, जीएसटी में, या किस पे लगता था, सेल पे, जब हम कुछ सेल करते थे उस पे लगता था। उसके बाद एंट्री एंट्री टैक्स, एंट्री ऑफ गुड, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई देते हो ना, फिल्मों में दिखाते हैं सब, ठीक है, जब क्या है, बॉर्डर के पास आ गया, स्टेट के दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, रुकते हैं, कहते बाबू दिखाइए आप, ठीक है, टैक्स पे कीजिए तब भेजेंगे, तो उसके लिए एंट्री टैक्स हमको पे करना होता था। मतलब एंट्री ऑफ गुड्स को क्या करते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमको एंटर करने के लिए, अब इसको भी हटा दिया गया, जीएसटी में रख दिया गया, और सर्विस टैक्स चार्ज होता था, अब इसको भी हटा दिया गया है, और कौन टैक्स लागू है, जीएसटी। मतलब मैक्सिमम जीएसटी में ऐड हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो जीएसटी से भी बाहर है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि 99% जीएसटी हमारे ऐड हो जाएंगे, किसमें, मतलब टैक्स ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, किसमें, जीएसटी, क्योंकि जितना मैं रिकॉर्ड दिखाया हूँ ना, सब कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी भी एक प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स है, किसमें, मैक्सिमम जो टैक्स जो भी करा है वो इसमें जीएसटी में सम्मिलित हो चुका है, जैसे एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सीएसटी, या मैक्सिमम जो ऐड हो चुके हैं वो जीएसटी के अंदर में ऐड हो चुका है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम आदमी लग रहा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे, क्लियर है। तो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बताया पहले का और इस समय का, जिससे आपको क्लियर हो सके कि गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लेता था, अभी तक इतना सुने नहीं थे ना हम लोग, बस जीएसटी से पहले वैट सुने होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो देखो इतना एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी, ठीक है, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ईटीसी, बहुत सारे टैक्स हैं, ठीक है, हाँ, और बहुत सारे हैं, तो इतना रटना नहीं है, हमको काम करना है जीएसटी पे, तो हमको ज्यादा सीखना है जीएसटी के बारे में, तो हम लोग का क्या है, 10-15 साल बीत जाएगा केवल जीएसटी पढ़ते पढ़ते, ठीक है, काम नहीं कर पाए, कुछ एक का स्पेशलिस्ट बनो सही रहेगा, क्योंकि सबका अलग रूल है, और सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है, कस्टम ड्यूटी का डिपार्टमेंट अलग है, समझ रहे हैं, अलग अलग है, तो जिसमें जिसमें है उसी पे चर्चा करें तो बेटर रहेगा।
तो ये हमने बताया आपको कि कैसे काम करता है, और यही आपको जितने हमें बताया जा रहा है जितना बेटर तरीके से आपको, पहले परचेज टैक्स भी लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्स अलग अलग लगते थे। अब इसके बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस हम लोग काम करना है जीएसटी पर, जीएसटी के बारे में चर्चा करने वाले। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। तो चलो इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन हम लोग करा लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये हम चर्चा करने सीखने वाले हैं। तो क्या लिखा गया, बोला क्या है, टी मतलब पहले जो टैक्स पे करते थे, जमा करते थे, उनको 3 नंबर मिलता था। कौन सा नंबर? 3 नंबर, आज भी चलता है, जिसे बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो समझे, आज रहा टी, जिसे बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था, आज ही अभी चल रहा है। ठीक है, किससे बताया, ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस तो जीएसटी नंबर मिलेगा, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो समझे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जीएसटी में इस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मिलेगा जीएसटी नंबर, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और बताया जाता है ये जीएसटी कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, जो पेड़ पे आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। मतलब ये जीएसटी नंबर होता है कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है, और वो किसके बेस पे बनाया जाता है, पेन के बेस पे, परमानेंट अकाउंट के बेस पे। पता है ना, पेन नंबर बोलो, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन का पूरे ना। तो जिससे जीएसटी नंबर जनरेट होता है, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं बिना पेन नंबर से, जीएसटी ध्यान देना 15 अंक और क्या, ये समझिएगा। तो बोला जाता है कि जो शुरू में तो 2 अंक होगा वो है स्टेट कोड, क्या है स्टेट कोड, जो बीच में 10 अंक होगा वो है पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, और जो लास्ट में 3 अंक है वो हम मिला के 15 अंक बनाते हैं, एंटिटी कोड, ब्लैंक चेक, सम डिजिट। टोटल कितने अंक का होता है, 15 का। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो अगर जीएसटी नंबर कुछ ऐसा होता है 09, तो जो 09 है ना, ये यूपी का स्टेट कोड है। कौन सा कोड है, जीएसटी का स्टेट कोड है, क्लियर है। उसके बाद ATMTV, ठीक है, 3211 M1JD, कितना अंक हो गया टोटल, 15 अंक, गिन लेना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14, एक अंक और मान लो M11JD, क्लियर है। तो टोटल जो 09 है वो यूपी का स्टेट कोड है, क्लियर है। जो 10 अंक है या 10 अंक या पेन नंबर है, आज जो 3 अंक है लास्ट में, एंटिटी, ब्लैंक चेक, डिजिट, और टोटल मिला के कितना अंक है, 15 अंक। कोई पूछेगा जीएसटी कितने अंक का होता है, 15 अंक का। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या मिलता है, जीएसटी नंबर। कोई पूछे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी नंबर किस पे जनरेट होता है, पेन पे आधारित होता है, और पेन नंबर कितने होता है, 10 अंक का होता है, और जो 09 है ये शुरुआत क्या है, स्टेट कोड, जो 10 अंक बीच में वो क्या है, पेन नंबर, उसके बाद एंटिटी कोड, चेक सम डिजिट, क्लियर है। टोटल हमारा क्या है, 15 अंक का, क्लियर है सबको। मतलब जो भी लोग जीएसटी में, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, अब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जब कराऊंगा ना, तो हमको एक जीएसटी नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, जीएसटी नंबर, कितने अंक का मिलेगा, 15 अंक का, किसके बेस पर बना रहेगा, पेन के बेस, क्लियर है। तो कल हम बताएंगे लाइब्रेरी टू रजिस्टर, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, ये या लाइब्रेरी टू रजिस्टर। तो कल घर से तो आप पढ़ के आइएगा, आप लोग यहाँ से लेके, और बता रहा हूँ कहाँ तक पढ़ के आ जाना, ये पूरा पढ़ लेना यहाँ तक। और ऐसे भी जो टीडीए डिडक्ट करते हैं, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक कल मैं पढ़ा दूंगा।